गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि मुझे भी काम में लिया गया और कई फोन टैपिंग उनके द्वारा करवाई गई। ये सब जग जाहिर हो गया कि किसने किसका दुरुपयोग किया। अब ये देखिए, जिनके पास कोई काम नहीं है ना, वो अनर्गल बातें करते रहते हैं। किसी का चारित्रिक हनन करना ये और भी हल्का स्तर है। मतलब 7 उपचुनाव हैं और आज हरियाणा में भी चुनाव है, क्या कहेंगे? हरियाणा हम जीत रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी जीत रहे हैं, सरकार बनेगी दोनों जगह। 7 उपचुनाव हम जीतेंगे ना, अभी आचार संहिता लगने दो, चुनाव की घोषणा होने दो, हम लग रहे हैं सभी चुनाव जीतेंगे। अशोक गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि मुझे भी काम में लिया गया और कई फोन टैपिंग उनके द्वारा करवाई गई। अब ये सब जग जाहिर हो गया कि किसने किसका दुरुपयोग किया, ये वो जाने, उनका काम जाने, हमको इसमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो इतना ही कहना है कि स्वच्छ शुचिता बनी रहे, ये जरूरी है सबके लिए। इसलिए मैं अब उनके बारे में क्या कमेंट करूं, ये उनका कानून का काम करेगा। किसी का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। मंत्रिमंडल फेरबदल की बात चल रही है ये मंत्रिमंडल वाले जाने, अभी कुछ नहीं, मैं तो संगठन का आदमी हूँ, संगठन का काम कर रहा हूँ। सुप्रिया शिरनेट की टिप्पणी पर क्या कहेंगे, जो इशारों में उन्होंने बात की? अब ये देखिए, जिनके पास कोई काम नहीं है ना, वो अनर्गल बातें करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, बेतुकी बात। किसी के पास कुछ भी हिम्मत होती तो सामने कोई बात करते, बेतुकी बात करने का मतलब क्या है? समाज में भ्रम पैदा करना, और मैं सोचता हूँ कि किसी का चारित्रिक हनन करना ये और भी हल्का स्तर है, ये कोई अच्छे राजनेता का मतलब ये काम नहीं है। राजनेता को आदर्श व्यवहार रखना चाहिए, ऐसी हल्की बातें करना, किसी के लिए कुछ भी कमेंट कर देना और परोक्ष कमेंट कर देना, ये भी मैं सोचता हूँ कि ओछी राजनीति कह सकते हैं।